उस समय सभी लोगों ने विचार किया कि ये आखिर क्या है, क्या हो रहा है, कि तभी भगवान श्री कृष्ण इस 19वें दिन की रात्रि में आए हैं और सो रहे पांडवों के तंबू के बाहर जाकर खड़े हो गए। जब पांडवों ने देखा कि कोई नहीं है, हम आराम करते हैं, सो रहे हैं, तब रात्रि में अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने देखा कि बाहर कोई खड़ा है, आकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर श्री अर्जुन जी ने कहा कि वसुदेव तुम यहाँ रात्रि में क्या कर रहे हो? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम था, तुमसे वार्तालाप करना था। तो फिर बोला, आप अपने बाकी भाइयों को बुला लाओ। अर्जुन गए हैं, चारों भाइयों को उठाया है, कृष्ण को कुछ चर्चा करनी है, कुछ मंत्रणा करनी है। पांचों भाई आए हैं और भगवान श्री कृष्ण पांचों भाइयों को साथ में लेकर किसी अन्यत्र जगह पर चले गए। यहाँ टूटा हुआ, कमर से टूटा हुआ दुर्योधन पीड़ा से कराह रहा है। उसको देखते हुए अश्वत्थामा पास आया है। अश्वत्थामा का मित्र, मुझे तुम्हें देखकर बड़ा कष्ट होता है, एक काम करता हूँ, आज मैं तुम्हारे स्वप्न को पूर्ण कर देता हूँ। आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं पांचों पांडवों के सरों को लाकर तुम्हारी गोद में रख दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि में गया है, ढूंढता रहा, एक टेंट मिल गया जिसमें पांच पांडव सो रहे हैं। हकीकत में पांचों पांडव तो जा चुके हैं, लेकिन ये पांचों पांडवों के एक एक पुत्र हैं जो साथ में सो रहे हैं। दिखने में सब वैसे ही, शरीर लगभग वैसे। रात्रि के अंधेरे में जाकर तलवार से पांचों के सर काट दिए और सरों को काटकर कपड़े में बांधकर लाकर दुर्योधन के पास पटक दिया। दुर्योधन एक एक सर को लेता और हाथ से दबाता और वो पिचक जाते। जब पांचों सर दबा दिए और पांचों सर पिचक गए तो दुर्योधन चीखा। दुर्योधन ने चीखते हुए निवेदन किया कि ये कौन के सर ले आया था, ये पांडव नहीं थे। अश्वत्थामा ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है, ये पांडव ही है। बोला, रोशनी कर, मैं देखना चाहता हूँ। और जब उन्होंने देखा और देखते से इस बात पे चिंतन किया तो देखा कि वो तो पांडवों के पुत्रों के सर थे, क्योंकि भीम के सर को तो दुर्योधन भी नहीं दबा सकता था, ये वो जानता था। और अगर पांचों सर दबा दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पांडवों के सर नहीं है। और महाराज, यही बात आगे बढ़ती है, घटना आगे बढ़ी और इस घटना की सुंदरता और सुंदर यहाँ ये होती है कि दुर्योधन रोने लगा। आज पहली बार दुर्योधन अपने परिवार को लेकर चिंतित और दुखी है। अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो आज हमारे कुल का नाश ही कर दिया। ये मेरी जिद थी कि मेरे 100 भाई, 99 भाई और मैं 100वां पुत्र पौत्र सब मारे गए इस युद्ध में, और बचे थे तो सिर्फ हमारे ये वंश के 5 पुत्र बचे थे। तूने आज इनको भी खत्म कर दिया, ये ठीक नहीं किया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को भी दुख हुआ, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। यहां भोर हुई, द्रौपदी ने देखा मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया, रो रही है, विलाप कर रही है और कहती है कि मेरे को कैसे भी इस दुष्ट हत्यारे को मेरे पास लाकर रखो, मैं किसी भी सूरत में इसको समाप्त करके अपने पुत्रों को देखना चाहती हूं। गया है अश्वत्थामा को ढूंढा गया है, पकड़ के लाया गया है। हम सब जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते उसकी हत्या नहीं की गई। सब मारना चाहते थे। वो द्रौपदी जो अभी तक चीख रही थी कि मेरे पुत्रों का जिसने वध किया है उसका वध किया जाए, उसके रक्त से मैं स्नान करूंगी। अब वही स्त्री ये कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसे मत मारो। ये है भारत की नारी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। क्यों ना मारा जाए? क्योंकि ये ब्राह्मण है, इसे नहीं मारा जा सकता। तब किसी ने कहा, ब्राह्मण अपनी जगह है, मगर इसने 5 अबोध बालकों का वध किया है, ये महापाप है, इसे मारा जा सकता है। तब द्रौपदी ने दूसरा
एक नया वाक्य बताया, बोला ऐसा है, आप धर्म जानते हो तो मैं भी धर्म जानती हूँ, ये ब्राह्मण है इसलिए नहीं मारा जा सकता, लेकिन एक और बड़ी बात है कि ये आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र, चूंकि पुत्र में पिता की आत्मा होती है तो ये आपके गुरु ही है, गुरु हत्या नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है। फिर बोला ठीक है, फिर भी पाप किया है, फिर लोगों ने मंत्रणा की, बोला चलो वो भी ठीक है, अब मैं धर्म को अलग रखती हूँ, मैं कहती हूँ ये फिर भी नहीं मारा जा सकता। बोला क्यों? क्योंकि इसके पिता नहीं है। आज देखो द्रौपदी क्या कह रही है, मेरे पांच पुत्र मारे गए मगर मेरे पति जीवित है, लेकिन इसके तो पिता भी नहीं है, और अगर ये मारा गया तो इसकी मां अकेली हो जाएगी, उसके लिए कौन देखेगा? चूंकि अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसलिए इसको उस मां की सेवा के लिए जीवित छोड़ देना चाहिए। बात आगे बढ़ती है, इंद्रप्रस्थ की सभा में एक शब्द निकला, अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। किसने कहा, किसने सुना, ये बात बहुत बड़ी नहीं है। किसी ने इस बात पर विमर्श किया कि अगर द्रौपदी ऐसा नहीं कहती तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, अगर इतनी बड़ी बात नहीं होती तो युद्ध नहीं होता महाराज, और युद्ध हुआ है तो शायद द्रौपदी के वजह से हुआ है। मेरे भाई बहन, एक बात जीवन में ध्यान रखना, पापी व्यक्ति पाप करने के बहाने ढूंढता है, बहाना कोई बन सकता है। द्रौपदी नहीं कहती तो कोई और कुछ कहता, कोई और कुछ कहता, दुर्योधन जिसके पास भगवान जाकर ये कह रहे हैं, बेटा कुछ मत कर, पांच गांव दे दे, जब वो तब नहीं माना तो किसकी मानेगा? पापी व्यक्ति पाप करने का बहाना ढूंढता है।